बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 केपीके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है पार्ट 5 जो है हम हल करेंगे पार्ट 5। तो क्वेश्चन कैसा है, 9x² - 6x + 5/9 इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से जो है हम इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था कि जो यहाँ कोफिशिएंट अदर देन वन होता है, सबसे पहले उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को उस कोफिशिएंट से, तो डिवाइडिंग बाय 9। अच्छा, बाय 9, तो 9x² / 9 माइनस 6/9 और प्लस 9 इसके साथ अपना है और 9 जो है हमने इसके साथ डिवाइड किया और 0/9, तो ये ख़त्म हुआ x² - और ये जो है एक दूसरे के साथ ख़त्म होते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो क्या हो गया 2/3x और प्लस 5/81 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगला स्टेप क्या करना है, तो 5/81 जो है हम इसको इक्वेशन के उस तरफ को ले जाएंगे या दोनों तरफ को जो है -5/81 जो है वो ऐड करेंगे या 5/81 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से। तो क्या करें, x² - 2/3x इज इक्वल टू -5/81। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें जो x का हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है 2/3, तो इसको जो है हमें हाफ करना है और फिर उसको स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और उसको जो है इक्वेशन के दोनों तरफ को जमा करने हैं, तो यह हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करते हैं, 2/3, तो 2 का जो है 2/3, तो 2 का जो है हम हाफ लेंगे, तो इसका हमने हाफ लिया और ये क्या बन गया 1/3। अब इसका जो है हम स्क्वायर लेते हैं, तो इस स्क्वायर को 1/3 होल स्क्वायर, हमारे पास हमने पहले कहा था कि इसका रूल ये है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका जो है हम हाफ लेंगे और हाफ की स्क्वायर को जो है हम दोनों तरफ जमा करेंगे, तो एड 1/3 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो क्या हो गया x² - 2/3x + 1/3 होल स्क्वायर और ये हो गया -5/81 + 1/3 होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका ये जो है जो हमारे साथ जो है हमने इस तरफ को हमारे पास बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो ये जो है ये एक्स का स्क्वायर है और ये 1/3 का स्क्वायर है प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है और हमारे पास जो है फिर फार्मूले में आती है 2x 1/3। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में यहाँ कुछ वाजह नज़र नहीं आता, तो हम ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन को ऊपर से मिटाएंगे और ये पार्ट लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये 1/3 होल स्क्वायर माइनस 2x 1/3, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला नंबर 2, a - b होल स्क्वायर बन गया और ये इस तरफ जो है -5/81 और प्लस 1/9, तो अब ये जो है ये हमारे पास इसको हम बंद करेंगे
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वन ओवर थ्री होल स्क्वायर, और इसका जो है हमने एलसीएम लिया तो 81 इसका एलसीएम है, 81 के साथ हमने इसको डिवाइड किया और 81 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 81 और 81 ख़त्म हुआ, माइनस फाइव यहाँ गया और 9 81 और 9 9 तो हमारे पास 9 आ गया। तो अब क्या हो गया, x माइनस वन ओवर थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81। तो अब इस स्क्वायर को जो है हम ख़त्म करेंगे, तो क्या कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पर जो है हम दोनों तरफ जो है हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अच्छा, तो x माइनस वन ओवर थ्री होल स्क्वायर अंडर रूट और 4/81 अंडर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हुआ x माइनस वन ओवर थ्री, और हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आता है और 81 का जो है हमें पता है 9 आता है, और यहाँ जो है हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का निशान लगाते हैं, 2/3 आ गया, 2/9। अब हम जो है इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो x माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू प्लस 2/9 और x माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू माइनस 2/9। अच्छा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वन ओवर थ्री उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यह अलामत चेंज होगा, 2/9 प्लस वन ओवर थ्री, तो इसका जो है हम एलसीएम लेंगे, 9 इसका एलसीएम हो गया, 9 के साथ 9 से हम डिवाइड किया और 9 के साथ हम दोनों साइड से ज़रब देंगे, 9 1 और 9, तो यहाँ बच गया 2 और ये 3 3 9, तो 3 3 यहाँ आ गया, तो क्या बन गया, 11/5/9। तो x का एक आंसर जो है, एक सलूशन हमारे पास x इज इक्वल टू 5/9 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस वन ओवर थ्री को हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 2/9 प्लस वन ओवर थ्री, तो 9 का हम एलसीएम लेंगे और 9 को दोनों तरफ को ज़रब देंगे, 2 9 9, और यहाँ 1 आ गया और माइनस 2 प्लस 3 3 9, तो 3 3 आ गया, तो क्या हो गया, 1/9, 3 से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो x का दूसरा जो है इसका दूसरा सलूशन क्या गया, 1/9। तो स्टूडेंट्स, सलूशन सेट क्या बन गया, सलूशन सेट बन गया 5/9 और 1/9। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 5, तो इसको हमने सॉल्व किया, और स्टूडेंट्स दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप ख़ुद ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 6, इंशाल्लाह नए क्लास में जो है नई वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम हल करेंगे। अभी तक यही काफ़ी है, शुक्रिया।